पर राज ठाकरे अब वो राज ठाकरे नहीं रहा, राज ठाकरे अब कुछ सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया। कहां से लग रहा है, यानी कि किसी कान के नीचे मारू तो ही मैं राज ठाकरे लगूंगा क्या? ये माइक फेंक के मारू तो राज ठाकरे लगेगा। म्यूजिक रामकदम ने भी हंगामा किया वो, लेकिन वो वहां पे शपथ नहीं फाड़ी थी। जो भी हंगामा किया था असेंबली में, कान के नीचे मारी थी, हाथापाई किया था। बिल्कुल, तो आप ये कान के नीचे मारा था इसको इतने गर्व से कह रहे हैं? ये बिल्कुल महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बात करनी है, असेंबली में जाना है तो मराठी में शपथ लेनी है, और ये मैंने पहले कहा है और महाराष्ट्र की जनता को ये मान्य है। तो आपकी, आपके बात करने का लहजा ऐसे लगता है कि नेता नहीं एक डॉन बोल रहा है, माफिया डॉन। इस मेरे बात करने से अगर आपको कोई शिकायत है वो आपके पास रहे, लेकिन इस महाराष्ट्र में मराठी चलेगी। लोग कह रहे हैं कि राज ठाकरे केवल एक कटुआ है। ये आप जो लोग हैं ना पत्रकार, ये जो लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, जो आप ऐसे कौन से लोगों को मिलते हैं मुझे नहीं मालूम। आप तो स्टूडियो में दिन भर बैठे रहते हैं। मैं आपके विरोधी ये कहते हैं कि राज ठाकरे बोलते बहुत है, भोंकते बहुत है, लेकिन असलियत कुछ और है। भोंकता हूँ, आपके जो विरोधी तो कहते हैं कि हमारा भोंकना बंद हो गया। हाँ बोलिए। तरह से आप ये भी कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट चैनल्स को आप धमकी दे रहे हैं कि आप ये मत कीजिए, आप अगर कुछ करें और कुछ हो जाए तो। सिर्फ इतना ही कहना है कि ये पाकिस्तान बांग्लादेश जिस तरह से अपने यहाँ पे जो हंगामा खड़ा कर रहे हैं आप वहां मत जाइए, बाकी एंटरटेनमेंट के लिए तो आपको पूरा खुला है मैदान। मगर पॉलिटिकल पार्टीज चैनल्स के कंटेंट को कैसे डिसाइड कर सकती है? तो फिर चैनल को भी डिसाइड नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का कंटेंट? कौन डिसाइड करता है? मैं डिसाइड करूंगा या तो आप डिसाइड करो। आप कोई कोर्ट नहीं है। म्यूजिक ऐसे ऐसे राज ठाकरे हैं जो निर्माण और नवनिर्माण कम करते हैं, और जिनके सैनिक लोग हैं जो पीटते हैं और अपने लोगों को ही पीटते हैं, सीमा पार की बात नहीं। देखिए, मैं आपके चैनल के लिए मैं आंदोलन नहीं करता। तो आप कभी भी ये सोच भी नहीं सकते कि एक ना एक दिन आप वापस जाओगे शिवसेना में? तुम जाओगे? जा सकता हूं, कौन जाने? तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं। कभी नहीं जाओगे? कभी नहीं। सवाल ही नहीं उठता है। आगे है क्योंकि एक साल पहले कुछ है, है एक नहीं, साल नहीं, एक मिनट, मुझे अभी इनफ हो गया, बस हो गया। नहीं नहीं, नहीं बस हो गया अभी। नहीं नहीं, राज बस हो गया अभी, मैं आज के बाद अदरवाइज मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। ओके यार, ऐसा लग रहा है राज ठाकरे डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी से। जिस ढंग से नरेंद्र मोदी के कैंपेन में भीड़ आ रही है, आप एक माहौल बना, उससे डर गए आप। मुझे लगता है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं या किसी चैनल के प्रवक्ता हैं? मैं किसी का तो प्रवक्ता फिर नहीं। आप किसी को ये बोल नहीं सकते आप डरे हुए हैं। आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, आप ये नहीं बोल सकते। आप लगातार जिस ढंग से हमले कर रहे हैं, हमले तो होंगे ही, इलेक्शन है, बात इलेक्शन की है तो हमले तो होंगे। आता तुम्ही ज्या काही सभा घेता, तुम्ही म्हणालात की माझा उमेदवार नसला तरी देशासाठी मी हे घेतो, मग ते बजेट विधानसभेसाठी ठेवता आलं नसतं का? कसलं बजेट? तुम्हाला काय काळजी आमच्या पैशाची? अहो, आमच्याकडे काय पैसे नाहीत का? आमच्याकडे पैसे आहेत ना, आणि एवढ्या सभा घेण्यासाठी म्हणून तर नक्कीच आहेत। मला असं वाटतं हा तुमचा विषय येत नाही या सगळ्या गोष्टींचा, कळलं का? आमच्याकडे पैसे आहेत, आम्ही खर्च करू ना। चौकीदार राहुल गांधी, चौकीदार म्हणाले, राहुल गांधी म्हणाले, नरेंद्र मोदी पहिले बोललेत ना, तुम्ही नंतर बघत नाही का तुमच्या बातम्या? तुम्ही झालं का आता? तुम्ही या सगळ्यामध्ये फक्त मोदी आणि अमित शहा यांच्यावर टीका करता, त्यांच्या बरोबर असलेले असं नाही वाटत तुम्हाला? प्रश्न तर विचारावे लागणार आहेत, बघत पण नाही आहेत तुमच्या प्रश्नांकडे, त्याची गरज नाही आहे। शिवसेना आणि वंचित आघाडी यांच्यावर तुम्ही काही टीका करत नाहीत, वंचित आघाडी बाजूला ठेवूया, नाही तुम्हाला टीका करायची, पण शिवसेना ती तर भाजपच्या बरोबर आहे, त्यांचेही उमेदवार आहे। मी ठरवीन ना कोणावर टीका करायची नाही करायची, तुम्ही कशाला प्रश्न विचारताय? त्यांच्यावर का नाही करत, त्यांच्यावर का नाही करत, तो माझ्या स्क्रिप्टचा भाग आहे। प्रश्न तर विचारले जाणार, मग मी तसंच बोलणार। पण का म्हणजे शिवसेनेवर बोलायचं नाही असं काही ठरवलंय का तुम्ही? सांगितलं ना, माझ्या स्क्रिप्टचा भाग आहे। विधानसभेसाठी तुम्ही आघाडी बरोबर जाणार की मग स्वतंत्रपणे तुमचे उमेदवार तुम्ही उभे करणार आहात? त्यावेळेला इंटरव्ह्यू देईन। हे एकच उत्तर तुम्ही देता का? आता ठरवलेलं नाही का? तुम्ही तर खूप लॉंग टर्मचा विचार करता। नाही नाही, मी त्यावेळेला देईन उत्तर, तुम्ही सोडता का चॅनल?
नाही ना, आपण त्यावेळेला उत्तर देऊ, त्यावेळेला इंटरव्ह्यूला या, त्यावेळेला आपण त्याची उत्तर देऊ. आता लोकसभा चालू आहे, लोकसभेची उत्तर, विधानसभेच्या विधानसभेची उत्तर. पण तुम्ही तुमच्या मुलाच्या लग्नामध्ये राहुल गांधींना निमंत्रण दिलं पण मोदींना दिलं नाही, त्याचं कारण हे आहे का की 2014 मध्ये ज्या वेळेला मोदी शपथ घेत होते त्यावेळेला तुम्हाला निमंत्रण दिलं नाही, हे त्याचं कारण आहे. काही बोलता का तुम्ही? तुम्हाला मी आता उत्तर देतोय म्हणून तुम्ही काय वाटेल ते प्रश्न विचाराल का? माझ्याकडच्या पत्रिका संपल्या, पुढे बोला. तुमची भाषा नरेंद्र मोदीं संदर्भामध्ये घसरते का? तुम्ही मोदींना नीच असं म्हटलं होतं. हो, पंतप्रधान आहेत देशाचे. जवानाबद्दल ते बोलताना त्यांना नाही कळलं की आमच्या जवानापेक्षा व्यापारी जास्ती साहसी आहे, हे तुम्हाला पटते? हे तुम्हाला पटते का? मला जरा सांगा ना. बेरोजगारी किंवा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या संदर्भात तुमच्याकडे काही प्लान आहे का? ब्लूप्रिंट वाचा. महाराष्ट्रातला किंवा देशातला कुठलाही माणूस ब्लूप्रिंट वाचायला का जाईल जेव्हा प्रत्येक राजकीय पक्ष आपला उमेदवार उभा करतो? माझं ज्या वेळेला सरकार येईल त्यावेळेला मी त्याची अंमलबजावणी करेन. पण प्रत्येक पक्ष आपला जाहीरनामा देत असतो, मग तशात तुमच्याकडेही काहीतरी नवीन असेल. असं वाटतं तुम्हाला आठवत असेल तर मी ह्या गोष्टी ब्लूप्रिंट अख्खी लोकांसमोर मांडलेली होती तेव्हा. नक्कीच, बरोबर ना? पण 5 वर्षांमध्ये तुम्ही म्हणता की कालचं तुम्हाला आज आठवत नाही, अशा वेळेला 5 वर्षांपूर्वीच विधानसभा येईल जनतेला का आठवावं? करेक्ट, विधानसभा येईल त्यावेळेला मी या गोष्टी मांडेन.